अल्लाह ताला के नाम से शुरू जो बड़ा ही मेहरबान और नहायत ही रहम करने वाला है। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु मजदूरी कर रहे थे, इतने में एक शख्स आया और अर्ज करने लगा, या अली रजी अल्लाह ताला अन्हु, मैं इंसान पहचानने में हमेशा गलती करता हूँ, मुझे पता नहीं लगता कि कोई इंसान मेरे लिए क्या सोच रखता है। रिश्ते हो, कारोबारी मामलात हो, दोस्ती हो, हमेशा नुकसान खाता हूँ, कोई ऐसा अमल बताएं जिससे मैं इंसान का असर रूप देख सकूं। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया, पहली बात, अगर किसी इंसान का ज़र्फ़ देखना चाहते हो तो उसे इज्जत दो, अगर वो बावकार होगा तो वो तुम्हारी दी गई इज्जत से ज्यादा तुम्हें इज्जत देगा, लेकिन अगर कम ज़र्फ़ होगा तो खुद को मोहतरम समझेगा। दूसरी बात, अगर ये देखना चाहते हो कि ये इंसान तुम्हारे लिए बेहतर है या बदतर, तुम्हारे लिए क्या सोच रखता है, तो एक मर्तबा सूरह नसर पढ़कर उसकी आंखों में देखो, अगर उसका चेहरा मुसलसल शादमान रहे, मुतमयन रहे, तो समझ जाना कि ये इंसान तुम्हारे लिए बेहतर है। लेकिन अगर वो घबरा जाए या परेशान हो जाए तो समझ जाना ये इंसान तुम्हारे लिए बेहतर नहीं है, क्योंकि वो अपने दिल में तुम्हारे लिए अच्छी सोच नहीं रखता। तीसरी बात, फितरत देखनी है तो उसे आजादी दो। चौथी बात, नियत देखनी है तो उसे कर्ज दो। पांचवी बात, अगर खसलत देखनी है तो उसके साथ खाना खाओ। छठी बात, अगर सब्र देखना है तो उस पर तनकीद करके देख लो। सातवीं बात, खलूस देखना है तो उससे मशवरा कर लो। दोस्तों, इन सात बातों पर जो भी इंसान अमल करेगा उस इंसान को दूसरे इंसान का असर रूप देखने को मिलेगा। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया, वक्त और दौलत दो ऐसी चीजें हैं जो इंसान के इख्तियार में नहीं, वक्त इंसान को मजबूर और दौलत मगरूर बना देती है। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु से पूछा गया कि दुनिया का सबसे अमीर आदमी कौन है, आप रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, वो जिसके दोस्त मुखलस हों। सबसे ज्यादा काबले नफरत वो शख्स है जो लोगों में ऐब तलाश करता है। खुदा से जब भी दुआ मांगो तो मुकद्दर मांगो, अकल नहीं, क्योंकि मैंने बहुत से अकल वालों को मुकद्दर वालों के दर पर देखा है। जिंदगी में अगर बुरा वक्त ना आता तो अपनों में छुपे गैर और गैरों में छुपे अपने कभी जाहिर ना होते। रिश्तों की खूबसूरती एक दूसरे की बात को बर्दाश्त करने में है। बेऐब इंसान तलाश करोगे तो अकेले रह जाओगे। जो इंसान किसी के एहसान का शुक्रगुजार नहीं है वो आइंदा जरूर इससे महरूम हो जाता है। जो जवाब देने में जल्दी करता है वो सही बात नहीं बता सकता। जब तुम्हें कोई तोहफा दिया जाए तो उससे बेहतर वापस करो, और जब कोई नेमत दी जाए तो उससे बढ़ाकर उसका बदला दो। गुनाहों का तर्क करना तौबा करने से ज्यादा बेहतर है। किसी ने हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु से पूछा, अजीब बात है, खुदा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को महबूब कहता है, मगर कलाम में पहले अपना नाम रख दिया और बाद में अपने महबूब का। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, अल्लाह ताला फरमाता है, पहले मेरे नाम से नापाक जुबान
पाक हो जाए, फिर मेरे महबूब का नाम लिया जाए। ऊंट के कुहान में छुरी इतना जल्दी असर नहीं करती जितना जल्दी रिज़क उन लोगों के पास आता है जो दूसरों को खाना खिलाते हैं। जिंदगी को जरूरियात में रखो, ख्वाहिशात की तरफ ना ले जाओ। जरूरियात फकीरों की भी पूरी हो जाती है और ख्वाहिशात बादशाहों की भी रह जाती है। इलम ऐसा खजाना है जो कभी फना नहीं होगा। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए और मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फेसबुक पेज को लाइक करें। शुक्रिया।